हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार पुलिस में अपडेट दीजिए, बिहार पुलिस में अपडेट दीजिए। तो देखिए, बिहार पुलिस में 2023 की जो बात है, बिहार पुलिस सिपाही 21,000 पदों पर होगी नियुक्ति। सरकार ने CBSE को भेज दी है सूची। बिहार में वर्दी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की बहाली होने वाली है। इसे लेकर पुलिस मुख्य तो देखिए, बिहार में वर्दी चाह रखने युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मी की बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सूचना भी जारी की गई है कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से रोस्टर क्लियर कर दिया गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय में सुपर्ग बताए रिक्तियों की सूची तैयार, आरक्षण के रोस्टर बना लिया गया। सूची केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को भेज दी गई है। अब केंद्रीय चयन परिषद सिपाही को इस संबंध में विज्ञापन जारी करता है कर सकता है कि बिहार में 26,351 पदों पर पुलिसकर्मी की बहाली होनी है, जिसमें से 7,000 से अधिक पदों पर महिलाओं पुलिसकर्मी की बहाली होनी है। रिक्तियों का पुलिस बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ADG RS गवार ने कहा है कि सभी जिलों में सिपाही और दरोगा खाली पदों की सूची मांगी है। सभी जगहों से आई रिक्तियों के बाद आरक्षण तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती के माध्यम से इतने 26,391 पदों को भरा जाएगा। इस संबंध में सूची केंद्रीय चयन सिपाही को भेज दी गई। अब जल्द ही राज्य में सिपाही पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए जून के महीने में बहाली की प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जो भी इन पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वह समय पर वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी क्या बोली गई है कि जून में आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, जून जो है आपकी, अभी दो जून है, तो हो सकता है 15 जून तक वैकेंसी आ जाए, नहीं तो 30 जून। लेकिन कभी भी वैकेंसी आपकी कमिंग सून में वैकेंसी आ सकती है। तो आप यदि वर्दी की चाह रखते हैं, आप सभी स्टूडेंट यदि वर्दी की चाह रखते हैं, तो आप लोग लग जाइए मेहनत पे। नहीं तो फिर ऐसा मत सोचिए सर वैकेंसी आएगा तब फिर तैयारी करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चूँकि आपकी कभी भी वैकेंसी जो है आपकी कमिंग सून में भी वैकेंसी हो सकती है, 15 जून को आ जाए या 10 जून को आ जाए, 30 जून को भी आ सकती है। लेकिन वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और बहुत जल्द आ भी जाएगी। तो आप देखिए, इसमें क्या चाहिए योग्यता। आवेदन बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदन का फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आवेदन 12वीं पास होने चाहिए, तभी तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी इस भर्ती का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन देखिए, आपकी जो यहाँ तक बोली गई है, प्रत्येक जिला बाय जिला, मतलब कि उनकी कितनी पद खाली है, तो सब भेज दिया गया है CRS साहब को। तो आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। तो आप लोग से ये है, निवेदन है कि आप लोग बहुत जल्द आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग लग जाइए, मेहनत कीजिए जोरों शोर से, तब तो फिर आप वर्दी आपको मिलेगी ना। तब तक के लिए धन्यवाद।